जलीशा। सो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है, जो कि मोस्टली इम्पॉर्टेंट होता है जो पेरेंट्स लोग के लिए जो बाहर से इंडिया से स्पेशली शिफ्ट होकर यूके आते हैं, तो यहाँ का स्कूलिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके ऊपर है टॉपिक। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है इसलिए मैंने ये टोपा भी लगा लिया है, और स्नो जैसा कुछ तो हो रहा है, पता नहीं फॉग है कि स्नो है, बहुत ज्यादा डेंस है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है स्नो जैसे, इसलिए टोपा लगा लो, एकदम फुल्ली पैक रहो। सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक से, और जो कि बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है, कई लोग इंटरनेट पे सर्च भी करते, इवन हम लोग भी सर्च करते थे जब हम लोग यहाँ आने वाले थे। सो आज का टॉपिक है जो सभी पेरेंट्स लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, यहाँ के यूके के स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर, यहाँ का स्कूलिंग सिस्टम कैसे है, कैसे हम यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, कैसे हमको स्कूल सर्च करना है, कैसे यहाँ पे हम लोकेशन फाइनल करेंगे कि कौन से लोकेशन में जाके हम रहेंगे, तो ये सारे चीज आज के मतलब वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं। हर पेरेंट के लिए ये कंसर्न रहता है कि वो एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री में यूके में जैसे शिफ्ट हो रहे हैं, अगर इंडिया से फॉर एग्जांपल, तो फिर वहाँ पर सब कुछ काफ़ी सेटल रहता है, मेनली एजुकेशन सिस्टम बच्चों का, उसके बाद यहाँ आए सब कुछ अनस्टेबल हो गया, टाइम पे स्कूल मिलेगा नहीं मिलेगा, किस तरह के स्कूल सिस्टम है, कैसे अप्लाई करना पड़ता है, तो इस ये सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर हम सोचते हैं तो कौन से स्कूल में हम बच्चों को डालें कि उनकी एजुकेशन जो है ना बहुत ही अच्छी उनको मिल सके, तो ये सारे चीज वीडियो में कवर करेंगे। तो हम बेसिकली पॉइंट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे सारे चीजों को, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ स्कूल, यहाँ पे कितने टाइप के स्कूल्स होते हैं। यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप के स्कूल होते हैं, स्टेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल जिसको कि हम इंडिपेंडेंट स्कूल बोलते हैं, और थर्ड स्टेट स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल हो गया। हाँ। जो कि जहाँ की फ्री एजुकेशन है, यहाँ पर कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे। हाँ। दूसरा है इंडिपेंडेंट स्कूल, जहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो कि काफी एक्सपेंसिव है, प्राइवेट स्कूल है। हाँ। और तीसरा हुआ अपना ग्रामर स्कूल। तो ग्रामर स्कूल वाला कंसेप्ट हम एकदम लास्ट में कवर करेंगे, पहले इन दोनों को लेके चलते हैं। इन दोनों में से जो प्राइवेट स्कूल है वो तो मतलब पता ही चल गया कि वो प्राइवेट स्कूल है, नॉर्मली उसके फीस होते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, हम जैसे नॉर्मल जो पीपल है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कई लोग भेजते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे 99% लोग जो है स्टेट स्कूल में ही उनके बच्चे जाते हैं। तो स्टेट स्कूल को लेके चलते हैं और उसके बारे में सारी चीज हम लोग इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करते हैं। सो स्टेट स्कूल जो है वो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल होता है, और गवर्नमेंट जो फंड पे करता है स्कूल में वो हमारे ही टैक्स से पे करते हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं वही पैसा जो है गवर्नमेंट पे करता है स्कूल को। तो बेसिकली आप बोल सकते हो हमारे टैक्स से जो है वो सारे फंड जो है टीचर्स को जाते हैं, या स्कूल को चलाने के लिए गवर्नमेंट वही वाला पैसा वहाँ पे यूज करता है। तो स्टेट स्कूल मतलब यही है कि वो फ्री है, आपके बच्चों को कोई फीस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है हमारे टैक्स के पैसे से उसको चलाता है, तो ये है स्टेट स्कूल। बच्चों की एज के बारे में अगर बात करें तो 5 to 10 ईयर्स का जो एज है वो है प्राइमरी स्कूल का एज, 11 to 17 ईयर्स का जो एज है वो सेकेंडरी स्कूल का एज है, और उसके बाद बच्चे आफ्टर 17 ईयर्स वो लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो वंस अगेन, यूनिवर्सिटीज़ फ्री नहीं होती है, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए वो पेड होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस के अलग अलग फीस होते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे चलता है। तो सबसे पहले आपका आता है प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप और नर्सरी जो है वो स्कूल के बाहर है, वो स्कूल में इंक्लूडेड नहीं है। तो इस प्ले ग्रुप और नर्सरी आप 0 to 4 ईयर के रेंज में आता है, और उसके बाद आपका स्कूल शुरू हो जाता है। तो अभी प्ले स्कूल जो है वो फुल्ली पेड है, उसके वो फ्री नहीं है। और उसके बाद जब नर्सरी आता है तो नर्सरी में पर एम्प्लॉय जो टैक्स पे करता है उसके लिए 15 आवर फ्री रहता है। तो अगर समझिए कि हस्बैंड अकेले जॉब करते हैं तो 15 आवर आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा बच्चे के लिए, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं तो 15 + 15 30 आवर्स मिलेगा। सो 15 आवर मीन्स आपका 15 आवर्स पर वीक, तो नॉर्मली यहाँ पर पेरेंट्स डिवाइड करते हैं 3 आवर्स पर डे के हिसाब से, तो एक वीक में 5 दिन स्कूल गए तो 3 आवर्स पर डे वो स्कूल जा रहे हैं। और उसके ऊपर अगर आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना है तो आप एडिशनली पे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका नर्सरी कंप्लीट हुआ, और नर्सरी के बाद फिर स्कूल स्टार्ट हो जाता है। अभी स्कूल टोटली यहाँ पर फ्री है,
और स्कूल में आपका प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल आता है। उसके बाद प्राइमरी स्कूल में स्टार्ट होता है रिसेप्शन, सो फर्स्ट रिसेप्शन आया, रिसेप्शन के बाद फिर ईयर वन और उसके बाद ईयर टू थ्री फोर ऐसे कंटिन्यू होता है। तो ये है आपका प्राइमरी और स्कूल, और उसके बाद सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल वंस अगेन न्यू स्कूल है, तो उसमें जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर वंस अगेन वो डिवाइडेड रहता है दो डिफरेंट टाइप स्कूल में। एक तो आप सेकेंडरी स्कूल में जा सकते हैं या फिर आप ग्रामर स्कूल में जा सकते हैं। ग्रामर स्कूल में जाने के लिए बकायदा एक से दो साल पहले से प्रिपरेशन लेना पड़ता है, क्योंकि ग्रामर स्कूल में हर एक ग्रामर स्कूल में अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, उनका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन लेना पड़ता है। तो नॉर्मली यहाँ पे एक से दो साल पहले ही बच्चों को प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ता है, और उसके बाद एग्जाम देने के बाद अगर एग्जाम क्लियर करते हैं तो फिर ग्रामर स्कूल में एडमिशन हो जाता है। कई ग्रामर स्कूल में कैचमेंट एरिया के हिसाब से भी चलते हैं, और कई लोग ओपन रहते हैं कि दूर से भी अगर कैचमेंट एरिया बाहर है तो वो लोग भी लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स ओनली। और कुछ ग्रामर स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं और साथ में कैचमेंट एरिया भी मैटर करता है। तो ये सबके अलग अलग क्राइटेरिया है, हर एक ग्रामर स्कूल का अलग अलग रहता है, तो उस हिसाब से ही उन लोग चलते हैं। ग्रामर स्कूल जो है वो भी गवर्नमेंट के ही स्कूल्स है, लेकिन वो जो है वो भी फ्री ही है, वो कोई पेड नहीं है, या फिर आपका प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, वो भी फ्री ही है, गवर्नमेंट के स्कूल्स है। लेकिन ग्रामर स्कूल में थोड़ा सा स्टैंडर्ड एकेडमिकली बच्चों का स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और जो सेकेंडरी स्कूल्स है उसमें ऑल ओवर जो बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, मतलब फोकस मतलब कि एकेडमिक तरीके से बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, वो ऑल राउंडर टाइप के जो बच्चे हैं वो नॉर्मली सेकेंडरी स्कूल्स में जाते हैं, और जो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ऐसे बच्चे प्रेफर करते हैं ग्रामर स्कूल में जाना। तो वो सबका अलग अलग है, सब बच्चे लोग अलग अलग है, तो उनके हिसाब से अपने पेरेंट्स जो है सब लोग अलग अलग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर लेते हैं। और दोनों ही स्कूल बहुत ही अच्छे हैं, दोनों ही स्कूल में ओवरऑल ग्रोथ होता है, क्राइटेरिया दोनों का बस थोड़ा थोड़ा अलग है। अब आता है बात कि हम ऐसे कौन से जगह में रहे जहाँ पे हम अपने बच्चे को स्कूल में डाल सके। नॉर्मली जब भी लोग माइग्रेट होते हैं यूके में, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो रहे हो, सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर से कोई भी कंट्री से अगर आप माइग्रेट हो रहे हो यूके में, तो सबसे पहली बात आती है कि आपके बच्चे का जो स्कूल है वो कैसे डिसाइड होगा। सबसे पहला है कि हमें घर, ऑब्वियसली हम घर सिलेक्ट करते हैं कि हम कौन से एरिया में जाने वाले हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। सबसे पहले आप स्कूल देख लो जिस स्कूल में भी आपको डालना है। अब वो स्कूल कैसे देखना है, कौन सा स्कूल अच्छा है या उसका रेटिंग कैसा है, वो हम इसके बाद वाले टॉपिक में कवर करेंगे। तो यहाँ पे है कि घर का लोकेशन पहले आप फाइनल करो, और लोकेशन जैसे ही आपका फाइनल हो जाता है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जिस स्कूल में आप टारगेट कर रहे हो, हर स्कूल का अलग अलग कैचमेंट एरिया होता है, बेसिकली उस कैचमेंट एरिया में ही अगर आप हो तो आपको उस स्कूल में एडमिशन मिलेगा। सपोज अगर स्कूल नंबर ए जो है, अगर आपने सिलेक्ट किया है कि मुझे इस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो उस स्कूल का अपना एक कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया में अगर आपका घर पड़ता है तो ही आपको उस स्कूल में अलाउ करेंगे, और अदरवाइज फिर आपको अपने कैचमेंट घर का जो लोकेशन है उसके स्कूल का जो कैचमेंट एरिया है उस हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा। हर एक लोकेशन का अपना लोकल काउंसिल होता है, और वही काउंसिल के फंड से वो स्कूल चलता है, तो इसलिए आप जिस भी लोकेशन में शिफ्ट हो रहे हो उस लोकेशन का जो लोकल काउंसिल है उस काउंसिल के फंड से ही वो पर्टिकुलर स्कूल्स जो चलते हैं। तो इसलिए कैचमेंट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्कूल में कैचमेंट एरिया होता है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको एडमिशन मिलता है। बेसिकली कैचमेंट एरिया जो कि इम्पॉर्टेंट है स्कूल एडमिशन में, स्कूल सिलेक्शन में, और इस हिसाब से ही यहाँ पे स्कूल में एडमिशन्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रेटिंग, तुम बता दो थोड़ा सा, फिर मैं बता दूंगी मुझे कुछ ऐड करना रहा तो। हाँ, तो अभी स्कूल का जैसे प्रीवियस टॉपिक में तनुश्री ने कवर किया कि वो एक कैचमेंट एरिया में होना चाहिए, तो आपको पहले अपना लोकेशन डिसाइड करना है, और उसके बाद लोकेशन के कैचमेंट एरिया में स्कूल आता है कि नहीं, और उसके साथ उसका रेटिंग भी आपको देखना पड़ेगा कि वो स्कूल कैसा है। तो अभी रेटिंग के लिए भी वेबसाइट है जो कि हम लोग आपको दिखा देंगे। हाँ, अभी इस वीडियो में आगे आप देख लोगे। आगे आप देख लोगे। बेसिकली रेटिंग मतलब हर माँ बाप ही, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालें, तो वो कैसे सर्च करना है? बेसिकली सारे स्कूल्स यहाँ पर अच्छे ही होते हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग रेटिंग्स यहाँ के ऑफस्टेट रेटिंग के हिसाब से वो सारे स्कूल्स का रेटिंग होता है, और वो हर ईयर रेटिंग होता है कि वो किस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर रेटिंग ऐसे दिया रहता है कि सबसे बेस्ट स्कूल आउटस्टैंडिंग होता है, उसके बाद गुड आता है,
उसके बाद आपका नीड इम्प्रूवमेंट आता है। तो इस हिसाब से आपको आपका घर जिस लोकेशन में है उस लोकेशन में आपके कौन कौन से स्कूल हैं और उसका अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन भी है, उससे भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा स्कूल है, उसमें कितना इनटेक है, वहाँ पर कौन सा रिलीजन फॉलो होता है, वहाँ पर वो गर्ल्स स्कूल है कि बॉयज स्कूल है कि नहीं, मिक्सड स्कूल है कि नहीं, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे कई स्कूल जो है ना प्रेफर करते हैं, जैसे रोमन कैथोलिक, कैथोलिक स्कूल्स होते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि कैथोलिक बच्चों को पहले प्रेफरेंस दिया जाए उसके बाद बाहर के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाए। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे बहुत टाइप के कैटेगरी है, तो बेटर ये है कि आप स्कूल का जो रेटिंग है, ऑब्वियसली हर कोई अपने बच्चे को आउटस्टैंडिंग स्कूल में ही पढ़ाना चाहेगा, तो उसके हिसाब से बेटर है कि आप अपने घर का जो एड्रेस आपको पहले मिल गया, एड्रेस के हिसाब से आप रेडियस में चेक करो कि कौन कौन से स्कूल्स वहाँ पे है, और उसके बाद आप चेक करो कि उन स्कूल्स में से कौन सा स्कूल्स आउटस्टैंडिंग है, कौन से गुड है, और उसके बाद आता है कि आउटस्टैंडिंग स्कूल जो आपने सिलेक्ट किया है उसमें अवेलेबिलिटी है कि नहीं, स्पेस है कि नहीं। अगर आप मिड ऑफ द सेशन उसमें जा रहे हो, बच्चा अगर शुरू में ही स्टार्टिंग ही यहाँ से कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नर्सरी से ही यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो सेप्टेम्बर, यहाँ पे स्कूल्स जो है यहाँ पे सेशन सेप्टेम्बर से स्टार्ट होता है, न्यू सेशन सेप्टेम्बर से स्टार्ट होता है, तो सेप्टेम्बर के पहले ही आप एप्लीकेशन डाल दो ताकि आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ पे हो जाए। लेकिन सपोज अगर कोई मिड टर्म में अगर कोई लोकेशन ट्रांसफर कर रहा है तो उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि वो आउटस्टैंडिंग स्कूल में वहाँ पे स्पेस है कि नहीं, अगर स्पेस नहीं है तो वो लोग ऑप्शन देते हैं ना कि आप कंटिन्यूअस, तो उसका एक प्रोसेस है, उसका एक प्रोसेस है कि एक आपको शुरू में तो हर एक एरिया का एक स्कूल एडमिशन टीम रहता है, जैसे अगर बर्मिंगम में गए, नॉटिंगम में गए, ऑक्सफोर्ड में गए, तो एक लिंकनशायर, लंडन, तो उसका एक स्कूल एडमिशन का डिपार्टमेंट रहता है, तो वहां पर आपको पहले ईमेल करना पड़ेगा और उसके वेबसाइट में भी आपको रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा। अगर न्यू सेशन है या न्यू टर्म का है तो न्यू टर्म का एक अलग लिंक है, और अगर मिड ईयर है तो मिड ईयर का एक अलग लिंक है, और उसके बाद फिर उससे आपको रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा और उसमें आपको प्रेफरेंस दे सकते हैं, तो टॉप थ्री प्रेफरेंस दे सकते हैं स्कूल्स के, जो कि पहले आपने फाइनली कर एक्सपेक्टेड है कि फाइनल कर लिए होंगे, तो वो तीन ऑप्शंस पहले देने के बाद, उसके बाद अगर आपका पहले में नहीं आता है, दूसरे में है या तीसरे में है, तो आप प्रेफरेंस है कि मतलब बेस्ट है कि आप उस स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, और अगर आपको जिसमें करवा दीजिए, और अगर पिछला अगर मतलब आपका जहाँ प्रेफर्ड स्कूल है अगर उसमें नहीं मिल रहा है तो उसमें वो लोग खुद से भी बोलते हैं, और आप उसमें कंटिन्यूअस इंटरेस्ट लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में आप अपना डाल दो, जब भी आपका वहाँ पर एक भी फ्री स्पेस होगा वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और उसके बाद यू कैन टेक फॉर द डिसीजन। तो फोर ईयर्स में एडमिशन जो है थोड़ा सा ईजी होता है क्योंकि बच्चा आपका स्कूल स्टार्ट ही कर रहा है, तो पहले ही एप्लीकेशन आप डाल दो एक महीना दो महीने पहले तो आपको बच्चे को स्पेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मिड सेशन स्कूल स्टार्ट करने के बाद अगर आप मिड सेशन में कहीं ट्रांसफर हो रहे हो तो उस समय ये स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बट काउंसिल की जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे को स्कूल अवेलेबिलिटी मतलब स्कूल अवेलेबल करवाना। तो चाहे आपके पसंद वाले स्कूल में ना मिल रहा हो, आउटस्टैंडिंग स्कूल में ना मिल रहा हो, लेकिन स्कूल आपके बच्चे को उसको देना ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए सपोज कोई अगर जैसे आप माइग्रेट हो रहे हो किसी भी टाइम साल के किसी भी टाइम अब यूके में आ रहे हो और आपका बच्चा बड़ा है लाइक प्राइमरी स्कूल में है या सेकेंडरी स्कूल में है तो मिड टर्म में वो ज्वाइन करने वाला है, तो उस केस में सेम ही अप्लाई होगा कि आप काउंसिल की तरफ से ही आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा और स्कूल जो आपका प्रेफर्ड स्कूल है उसमें स्पेस होगा तो आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, और नहीं होगा तो जिस स्कूल में भी स्पेस है उस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। और डिस्टेंस के हिसाब से वो लोग प्रेफरेंस देते हैं, अदर देन अगर आपका रोमन कैथोलिक का अगर वो रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा अगर रिलीजन का, अगर मिक्स्ड है तो फिर हाँ आप ओपन है तो आप पहले डिस्टेंस के हिसाब से प्रायोरिटी देगा, और अगर वो डिस्टेंस में अनफॉर्चुनेटली आपके प्रेफर्ड स्कूल में डिस्टेंस के हिसाब से भी नहीं मिल रहा है तो अगर दूर का है तो फिर उन लोग उसमें ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे एक अगर लिमिटेड डिस्टेंस के बाहर है तो वो। तो ये है स्कूल का बेसिकली कैचमेंट एरिया भी हमने कवर कर दिया, हमने रेटिंग भी कवर कर दिया, हमने एडमिशन का प्रोसेस भी हमने हल्का फुल्का बता दिया। तो बेसिकली यही है, और एप्लीकेशन कैसे करना है ये आपको शिप बताएंगे, कैसे स्कूल में अप्लाई कैसे करना पड़ता है, डायरेक्टली स्कूल में जाके अप्लाई कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट के तरफ से करना पड़ता है वो नहीं, वो स्कूल एडमिशंस में एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट भी मैं दिखा दूंगा आगे कि किस तरह से वेबसाइट में अप्लाई करना है, उसके साथ किस हिसाब से स्कूल्स को कैचमेंट एरिया में सर्च करना है उसका भी एक अलग वेबसाइट है कि तुम स्क्रीन में जाके दिखा, स्क्रीन में दिखा देता हूं मैं। यहां पर फाइंड और कंपेयर स्कूल्स करेंगे सर्च गूगल में, उसके बाद जो पहला गवर्नमेंट का लिंक आ रहा है उसको क्लिक करेंगे,
उसके बाद नीचे स्टार्ट नाउ करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें से लोकेशन, नेम रेफरेंस। आप लोकेशन में जिस भी एरिया में आप स्कूल सर्च कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हैरो में मैं अभी सर्च कर रहा हूँ, सर्च बटन क्लिक करने के बाद पूरा लिस्ट आएगा स्कूल्स का उस लोकेशन में। और लेफ्ट हैंड साइड में पैन में आपको सारे फर्दर फिल्टर्स आएंगे, जैसे कहाँ पर है, उसका रेटिंग क्या है, कौन से टाइप के स्कूल्स हैं, फिर मिक्स्ड है कि गर्ल्स बॉयज़, उसके बाद उसका रिलीजन, कौन सा रिलीजन वह सपोर्ट करता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब लिस्ट यहाँ मिलेगा। तो फिर फर्दर फिल्टर करके फिर यहाँ पर सारे आपको स्कूल के लिस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर सब जैसे गुड रेटिंग, आउटस्टैंडिंग, गुड रेटिंग, ये सारे स्कूल्स हैं। इंडिपेंडेंट स्कूल भी इसमें लिस्ट होंगे। और उसके बाद आपको फर्दर डिटेल्स के लिए फिर स्कूल ओपन करेंगे, इंडिविजुअल स्कूल। यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग कंपेयर कर सकते हैं, ये इसका स्कूल का एड्रेस क्या है। और अगर फर्दर स्कूल के बारे में पता करना है तो उसका वेबसाइट ओपन करके कॉन्टैक्ट अस या फिर अबाउट अस या फिर बाकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। एक दूसरा भी तरीका है लॉक रेटिंग का, ये वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हैं। पहला ही लिंक है लॉक रेटिंग, मतलब लोकेशन रेटिंग का। ये वेबसाइट में भी आप अपना लोकेशन या नेम या फिर पोस्ट कोड कुछ भी दे के आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सेम हैरो से ही सर्च कर रहा हूँ। तो फिर जब सर्च करेंगे तो इस तरह से सारे स्कूल्स आएंगे। और ये इंडिविजुअल कलर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल रेटिंग्स के हिसाब से स्कूल्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब की में ये की का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सारे स्कूल के कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो दिखाएंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग ग्रीन है, उसके बाद फिर गुड येलो है, फिर ऑरेंज है, रिक्वायरमेंट रिक्वायर इम्प्रूवमेंट, फिर इनएडिक्वेट, अननोन। और इंडिविजुअल जब आप स्कूल के इस आइकन को क्लिक करेंगे तो वो एक ग्रीन जो सर्कल हो रहा है वो आपको बताएगा कि उसका कितना बड़ा कैचमेंट एरिया है और आपका जो पोस्ट कोड है उस कैचमेंट एरिया में आ रहा है कि नहीं, ये लोकेशन से आप देख सकते हैं जीपीएस से। फर्दर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये स्कूल जितना बड़ा है उसका उतना बड़ा कैचमेंट एरिया भी है, उसमें इनटेक क्या है, एज ग्रुप का 4 to 11 है, जैसे ये मिक्स्ड है, यहाँ पर कोई भी रिलीजन के बच्चे जा सकते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स का क्या इनटेक है परसेंटेज, ये सारा और बाकी के डिटेल्स आप यहाँ से रेफ़र करके देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी स्कूल आपके पोस्ट कोड में है आप उसको क्लिक कीजिए और देखिए आपके कैचमेंट एरिया में आ रहा है कि नहीं। और ये आप नेम बाय लोकेशन या सर्च कर सकते हैं, आपका करंट लोकेशन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका करंट लोकेशन भी ले लेगा। और अभी स्कूल जब एक बार सर्च कर लिया, स्कूल एडमिशन्स का प्रोसेस है कि आपको स्कूल एडमिशन्स UK सर्च करना है। पहला आपका जो गवर्नमेंट का लिंक है उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आप हर लोकेशन का एक काउंसिल का अलग वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर योर लोकल काउंसिल सर्च करके जिस लोकेशन में, फॉर एग्जांपल आप अगर हैरो में ही सर्च कर रहे हैं तो आप हैरो का जो पोस्ट कोड है आपका उस पोस्ट कोड को आप यहाँ टाइप कीजिए और फाइंड नाउ कीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको हैरो का वो काउंसिल का वेबसाइट आएगा, उसको क्लिक कीजिए। काउंसिल में सब कुछ काउंसिल के अंडर ही आता है, तो उसमें आपको इंडिविजुअल आप स्कूल के बारे में सर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सर्च कीजिए हाउ टू अप्लाई फॉर प्राइमरी स्कूल, सर्च करके उसके बाद क्लिक कीजिएगा सर्च का बटन। तो फिर यहाँ पर आपको सारे लिंक्स, शॉर्टकट लिंक्स मिलेंगे, इसमें से अप्लाई फॉर प्राइमरी स्कूल क्लिक कीजिए, सारे डिटेल्स को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसके बाद फिर जहाँ पर आपको रेलिवेंट एरिया मिल रहा है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन इफ़ एक बार आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद फिर इफ़ यू वांट आप इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट करके वो फर्दर उनके साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। जो भी मम्मी पापा लोग हैं अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, जो न्यू भी है, छोटे बच्चे भी अगर नर्सरी या प्ले ग्रुप से भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप नए हैं इस कंट्री में तो भी आपको हेल्प हो जाएगा। और जो मम्मी पापा मिड ऑफ द ईयर भी अगर आ रहे हैं कोई भी क्लास में हो, चाहे प्राइमरी स्कूल में हो, सेकेंडरी स्कूल में, तो हमने कोशिश किया है कि सभी टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करें ताकि हेल्प हो जाए। और बाकी अगर कुछ भी डाउट रहता है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देना, तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पे आपको आंसर कर दें। या फिर बहुत ज़्यादा क्वेरीज आते हैं तो हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे।
तो ये है आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चाइल्ड्स स्कूल सर्च और अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। चलो टेक केयर, बाय बाय।